हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक है अनुसूचियां। अनुसूचियां जो है अपने 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे समय के आधार पे जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई तो इनको चेंज करते गए और कुछ बढ़ाते गए, संविधान संशोधन होते गए। कब कौन सी अनुसूची जुड़ी, कौन सी अनुसूची में क्या क्या है, वो टॉपिक अपन देखते हैं। प्रथम जो अनुसूची है, प्रथम अनुसूची प्रथम अनुसूची प्रथम अनुसूची के अंदर अपना देश है। तो देश के अंदर दो चीजें हैं, राज्य हैं और यूटी हैं। तो पहली अनुसूची के अंदर देश को प्राथमिकता देते हुए राज्य, राज्यों के नाम नाम और यूटी संघ शासित क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र के बारे में बताया गया है। पहली अनुसूची जो है वो उसके अंदर बताया गया है कि राज्यों के नाम और संघ शासित क्षेत्र क्या होंगे। नंबर दो, दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची के अंदर वेतन और भत्तों का वर्णन किया गया है। वेतन और भत्ते, वेतन और भत्ते का, तो वेतन के बारे में यदि पूछा जाता है तो हम दो नंबर की अनुसूची लगाते हैं। दूसरे नंबर की अनुसूची के अंदर वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया। नंबर तीन, नंबर तीन का मतलब तीन अक्षर होने चाहिए, शपथ होनी चाहिए। तो जो भी विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली गई शपथ होती है, तो विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली गई शपथ, जो शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं, वो विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा जो ली गई शपथ जो होती है वो अनुसूची नंबर तीन में आती है। अनुसूची नंबर चार, चार के अंदर राज्यसभा का सीटों का आवंटन होगा। तीन के अंदर ये ज्यादातर पूछी जाती है कि तीन नंबर अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है, तो वो शपथ से, शपथ में तीन अक्षर है तो वो तीन नंबर। चौथा है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, आवंटन राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है किस हिसाब से बटा गया है, कौन से यूटी जो है उनको अपने सीटें दे रखी हैं, राज्य में कितनी सीटें सबसे ज्यादा यूपी में हैं, सबसे कम कहाँ है, कौन से यूटीज हैं जहाँ पे नहीं है, वो चीजें दी गई हैं। नंबर पाँच, नंबर पाँच के अंदर आपका अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और उनका जो नियंत्रण होता है उसके बारे में बताया गया है। नंबर जो पाँच है उसके अंदर अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों और दो चीजें, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र जो अनुसूचित होते हैं भारत सरकार से, राज्य सरकार से, राज्यपाल या राष्ट्रपति या कई जगह स्पेशल जो दे रखे हैं पावर, वो जो अधिकारी हैं, प्राधिकरण जो होते हैं वो डिक्लेयर करते हैं, वो ये चीज़ें जनजातीय क्षेत्र होते हैं। तो इसका प्रशासन और इसका नियंत्रण के बारे में बात की गई है। इसका प्रशासन व नियंत्रण, नियंत्रण प्रशासन व नियंत्रण के बारे में बात कही गई है। नंबर छः, नंबर छः पे जो आता है वो अपना आता है कि कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं जिसमें AMMT असम, असम मेघालय मिजोरम और त्रिपुरा, AMMT और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश
इस जो क्षेत्र का है, क्योंकि ये अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र ये तो पूरे भारत में बच गए वहां पे, इन लोगों के लिए अनुसूचित क्षेत्र जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, AMMT और अरुणाचल प्रदेश में, इनमें क्या किया गया है, जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है, नंबर छह। सातवीं जो अनुसूची है, सातवीं जो अनुसूची है वो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है, केंद्र राज्यों के मध्य मध्य शक्तियों का विभाजन, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। अब केंद्र और राज्य के मध्य अपने तीन प्रकार की सूचियां बनाई गई, नंबर एक केंद्र सूची, नंबर दो राज्य सूची और नंबर तीन समवर्ती सूची। ये समवर्ती सूची कहां से ली थी अपन ने, ऑस्ट्रेलिया से, समवर्ती सूची। इनके अंदर कुछ विषय दिए गए हैं, विषय कभी कम कभी ज्यादा ये होते रहते हैं, लेकिन वर्तमान समय में केंद्र सूची में 100, राज्य सूची में 52 और जो अपनी समवर्ती सूची जो है वो राज्य सूची के अंदर 61 विषय दिए गए और समवर्ती सूची के अंदर 52 विषय दिए गए। ये वर्तमान के अंदर विषय, इनके ऊपर केंद्र सरकार संसद सांसद नियम बनाएगी, राज्य सूची पे राज्य की विधानमंडल जो है वो नियम बनाएगी, समवर्ती सूची पे दोनों बनाएंगी, लेकिन प्राथमिकता केंद्र सरकार की होगी। और जो अवशिष्ट शक्तियां जो बच गई इनमें विषय नहीं है, उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, संसद को है। ये अपनी सातवीं अनुसूची होगी। आठवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची के अंदर अपने भारत देश की जो आधिकारिक भाषाएं जो है वो दी गई है। आठवीं अनुसूची के अंदर संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं जो है वो संविधान द्वारा होनी चाहिए। जैसे भाषाएं तो राजस्थानी भी है लेकिन उसको मान्यता नहीं मिली है, तो वो इसमें नहीं है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। मूल संविधान थे उसके अंदर 14 भाषाएं थी, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 21वां संविधान संशोधन जब हुआ, 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ, तो उसके अंदर सिंधी भाषा को दर्जा दिया गया था। ये कब हुआ था, 1967 में, 1967 में। इसमें किस भाषा को दिया गया था, सिंधी। सिंधी काफी चीजों की नस्ल भी है, एक पंजाब वो जो का पाकिस्तान का है उसमें सिंध एरिया भी है, ठीक है। सिंधी भाषा को मान्यता दी गई। ये अपनी बनी थी 15 नंबर की भाषा। अब नंबर आगे जो भाषाएं बनी है वो इसके 71वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 71 का जो संविधान संशोधन जो हुआ था ये 1992 में हुआ था और इसमें कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषा जोड़ी गई थी, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, इसमें तीन भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी जोड़ी गई थी, नेपाली जोड़ी गई, किसी दूसरे देश की भाषा जोड़ी गई थी, क्योंकि ये अपने जो यूपी बिहार का क्षेत्र है यहाँ से अपने विदाउट वीजा जाना आना होता है, तो इसलिए नेपाली भाषा को भी जोड़ा गया, कोंकणी भाषा को भी जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। अब आगे जो भाषाएं जोड़ी गई इन दोनों को काउंट करते हैं तो 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, 92वां संविधान संशोधन। इसके अंदर बोडो डोगरी संथाली और मैथिली भाषा जोड़ी गई थी, संथाली और मैथिली भाषा जोड़ी गई थी। यह कब हुआ था, 2003 में, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी जोड़ी गई, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी,
ये 15 हो गई, ये 16 हो गई, ये 17 हो गई, ये 18 हो गई, ये 19 हो गई, ये 20 हो गई, ये 21 और ये 22 भाषाएं हो गई। 71वें संविधान संशोधन 92 में अंदर कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी जोड़ी गई थी। बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली 2003 में जोड़ी गई थी। अब ये जो आठ अपने पढ़ी थी वो सारी मूल संविधान में थी, आठ अनुसूची। अब नौवीं जो अनुसूची है वो संपत्ति के अधिग्रहण से, संपत्ति का अधिग्रहण, संपत्ति का अधिग्रहण या उसको भूमि सुधार भी बोला जाता है, भूमि सुधार के लिए नौवीं अनुसूची ली गई थी। ये ली गई थी पहले संविधान संशोधन में, ले ली थी पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 के अंदर इसको शामिल किया गया था। इसमें बोला गया कि 24 अप्रैल 1975 के बाद के जो भी कानून है उनकी समीक्षा की जाएगी, उनकी समीक्षा की जाएगी, पर वर्तमान के अंदर तो कोई भी कानून हो, पुराना हो, नया हो, सबकी जुडिशरी रिव्यू होता है। ठीक है, ये नौवीं अनुसूची। अब आती है अपनी दसवीं अनुसूची। दस दस का मतलब होता है दल बदल, दल बदल, दल बदल। दल बदल जो होते हैं उसके अंदर कुछ छूट दी गई है कि 1/3 सदस्य यदि कोई दल को बदल देते हैं तो वो माने माने वो दल बदल में नहीं आएगा। कुछ को मंत्रियां नहीं बनाया जाता, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, बना भी देते हैं अपने स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए बदला जा सकता है सारी चीजें। दल बदल, दल बदल का इसके अंदर उल्लेख किया गया है कि ये 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन 1985 के अंदर दल बदल वाली अनुसूची नंबर 10 को जोड़ा गया। ठीक है, ये अलग अलग दे रखे हैं, जैसे 102 के अंदर केंद्र सरकार के दल बदल दे रखे हैं, 191 में जो अनुच्छेद है उसमें राज्य सरकार के दल बदल दे रखे हैं, तो ये सारी चीजें अलग अलग। अब नंबर 11 अपनी ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायतों का, इसमें ग्राम तो नहीं ले सकते लेकिन पंचायतों का वर्णन है या पंचायतों का प्रावधान है। ठीक है, जो पंचायत है उनका प्रावधान दिया गया है, पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। ये 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में इसको जोड़ा गया था। ये भी पता है इसके अंदर 29 विषय हैं, ये विषय हैं इसके अंदर। और नंबर 12वां जो है अनुसूची है वो आपका नगरीय निकाय के लिए है, नगर निगम का प्रावधान है उसमें, नगर पालिका का प्रावधान है। ठीक है, नगर पालिका, ग्राम पंचायतों का इसमें है, नगर पालिका का, नगर निगम का जो भी है उनका प्रावधान इसमें। ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। इसमें जो विषय हैं वो 18 विषय इसके अंदर आते हैं। ठीक है, इसमें 18 विषय आते हैं।